हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपके पास एक नए वीडियो के साथ आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसटी एकेडमी पे। हाँ भाई, अभी हम लोग कर रहे हैं ट्रायंगल चैप्टर, जिसमें पढ़ रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। और उसमें हम लोगों को अभी इस सेशन में क्या करना है, साइड सिमिलरिटी। प्रीवियस जो हमारा क्या था सेशन था, प्रीवियस वीडियो था, उसमें हम लोगों ने देखा कैसे हम लोग एंगल सिमिलरिटी को प्रूव करते हैं या फिर वो होता क्या है। ठीक है, इस सेशन में हम लोग देखेंगे जब दो ट्रायंगल्स में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो फिर क्या होगा, जरा से इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ध्यान से देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ध्यान से देखेंगे इसको। हमारे पास दो ट्रायंगल दे रखे हैं, कितने ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स कुछ इस तरह से। ठीक है ना, अभी दो ट्रायंगल्स जो है, मान लीजिए कि यहां पर एबीसी है और ये क्या है डीईएफ। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स कैसे, साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल दे रखा है। मतलब कि AB is to DE, BC is to EF, AC is to DF. Thereafter we have to verify, we have to prove that ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। और आपको पता होना चाहिए कि सिमिलर होने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड है, क्या उनके साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, साथ साथ उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो हमें कहीं ना कहीं अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर वेरीफाई करना है तो एट फर्स्ट वी मस्ट प्रूव व्हाट, कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। चलिए इसका स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, क्या हो सकता है, जा देखें क्या है अपना साइड सिमिलरिटी। ठीक है ना बाबू, एक्चुअली हुआ क्या कि एक छोटा सा मतलब मिस्टेक हो गया, उसके कारण से पूरा वीडियो रिलेट करना पड़ा, तो इसका वीडियो डन हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा कर लेते हैं, ये बड़ी बात थोड़ी ना, अपने हाथ की बात। चल क्या है इसमें स्टेटमेंट, क्या है जरा बताओगे आप मुझे, कह सकते हो इफ इन टू ट्रायंगल्स देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, व्हाट देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, यही दे रखा है ना हमें, corresponding sides are proportional। blur तो नहीं हो रहा, I don't think ये हो रहा है। their corresponding क्या हमने लिखा, sides are proportional, corresponding sides are proportional। ठीक है, then तब होगा क्या, then their corresponding sides नहीं बल्कि corresponding angles क्या होंगे, equal होंगे, corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar, the two ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बोलो हाँ कि ना, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हमें क्या दे रखा है, जरा सा इसके सॉल्यूशन को देखेंगे, व्हाट डू वी हैव गिवन, क्या है इसमें कि ट्रायंगल गिवन, ट्रायंगल एबीसी and triangle DEF, ठीक है, in which क्या है AB upon, ध्यान दीजिएगा AB upon DE equals BC upon EF equals AC upon DF। अब देखने में दिख रहा है आपको कि ABC का साइड क्या छोटा है, तो हमने मान लिया कि ये क्या है, लेस देन क्या है, वन है। ये कहने के हमको एंगल को वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, रेशियो गिवन है तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, ये ध्यान रखना है। और यही स्टेटमेंट हमारा पिछले में गलत हुआ, इस तरह से पूरा वीडियो करना पड़ रहा है। और जैसे ही ऐसा हुआ हमें वेरीफाई करके क्या देना है, टू प्रूव ट्रायंगल एबीसी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, सिंपल सी बात हो गई ना। ओके, तो हमने जैसे ही माना कि AB अपॉन DE इज लेस देन 1, इसका मतलब AB छोटा हो गया DE से, तो क्या हम यहां पर देखो एक पॉइंट ले सकते हैं DE पे, एक पॉइंट ले लेते हैं P और DF पे पॉइंट लेते हैं Q, सच दैट ये जो DP है अपना वो AB के इक्वल हो सकता है, जो DQ है वो AC के इक्वल हो जाए, ये तो कर सकते हैं। और साथ हम क्या कर लेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे, किसको भाई, PQ को क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है मेरी बात, ध्यान से सुनना। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करा, कंस्ट्रक्शन में क्या करा, टेक टू पॉइंट्स, कौन कौन बाबू, P एंड Q, कहां लिया आपने, ऑन साइड्स, किसके ऑन साइड्स, DE एंड DF ऑफ ट्रायंगल DEF रेस्पेक्टिवली, सच दैट क्या हो जाए बताओ, DP इक्वल्स AB एंड DQ इक्वल्स AC, इज इट क्लियर, ऑल्सो ज्वाइन वॉट PQ को हमने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अब ध्यान देने वाली जो बात है यहां पर वो क्या है, जरा अगर आप देखेंगे इस ट्रायंगल में क्या था आपके पास, इस ट्रायंगल में आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल, मतलब आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो बाबू, एक सेकेंड, ठीक, यहां देखो ये तो दे रखा है ना इंफॉर्मेशन, तो आप यहां इस चीज को वहां भी अप्लाई कर सकते हो, देखो कि क्या हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्रूफ में आ जाइए और ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि अगर हम ऐसा कर लेते हैं, क्या कैसा कर लेते हैं, ध्यान से कि हमें क्या दे रखा, ए बी नहीं दिख रहा है क्या, अपॉन क्या डीई, और ये किसके इक्वल दे रखा है, ए सी अपॉन डी एफ, बोलो हाँ कि ना, और जब ऐसा दे रखा है तो क्या हम ये लिख सकते हैं, जरा बताइएगा, ए बी को हम डीपी के इक्वल लिख सकते हैं और अपॉन तो डीई रह जाएगा, क्या हम ए सी को डी क्यू के इक्वल लिख सकते हैं, अपॉन में क्या रह जाएगा, डी एफ, ठीक है, आपका सेक्शन सब कर रखा है, आपको लिखने की इच्छा है तो लिख लीजिए यहां पर, सिंस डीपी इक्वल्स ए बी एंड डी क्यू इक्वल्स ए सी, ठीक है। और जैसे ही ऐसा हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो जरा देखिए, तो देयर फोर बाई कन्वर्स ऑफ, देखिए ना इस किस ट्रायंगल को देखिएगा, डी ई एफ को, उसमें क्या होगा, डीपी इज टू डीई इक्वल्स टू डी क्यू इज टू डी एफ, तो क्या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कर सकते हो बताओ, क्या हो जाएगा, ये जो आपका पी क्यू है ना, दैट विल बिकम पैरेलल टू ई एफ, बाबू ये जैसे ही आएगा तो आप क्या कह सकते हो कि सर एंगल पी इक्वल्स क्या आ जाएगा, एंगल ई, क्यों भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, सिंपल सी बात, कॉरेस ऐसे डॉट लगा दो भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिमिलरली यू कैन से व्हाट, एंगल क्यू इक्वल्स एंगल एफ, बोलो हाँ कि ना, और ये चीज जैसे ही हुआ कहा, ध्यान से देखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल इफ यू सी डी पी क्यू, ध्यान से देख लो, डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डीई, व्हाट विल यू गेट, हमारे पास पहले है क्या, ये जरा देखेंगे, व्हाट डू वी हैव राइट नाउ, ये क्या क्या है, एंगल पी इक्वल्स एंगल ई एंड एंगल, बोलो, क्यू इक्वल्स एंगल एफ, ये कहां से मिला, फ्रॉम अबव, ये भी प्रूव्ड अबव आप कह सकते हो, रीजन जरूरी है,
और जैसे ही ऐसा हुआ तो क्या आप कह सकते हो कि जो ट्रायंगल आपके पास क्या था, DPQ, ये जो DPQ ट्रायंगल है ये क्या सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके, DEF के? क्यों भाई? एंगल एंगल सिमिलरिटी, बोलो हाँ कि ना? अरे बता लो, ऐसा हो जाएगा क्या? डेफिनेटली हो जाएगा। और जैसे ही ऐसा होगा ना बाबू, क्या हो जाएगा बताओ? अरे बता लो जी, आसान। 10 कह सकते हो आप कि DP, हाँ ये पोर्शन दिखेगा, DP is to DE इक्वल्स क्या होगा, PQ is to EF इक्वल्स टू DQ is to DF। अब कह सकते हैं नहीं कह सकते? और हमें मतलब यहां से है, हमें दोनों साइड से मतलब है, किससे? DP is to DE इक्वल्स PQ is to EF। एक चीज मुझे बताइए कि क्या DP AB की इक्वल नहीं है? डेफिनेटली है। तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, AB upon DE इक्वल्स PQ upon EF। रीजन मिल लीजिए कि सिंस DP इक्वल्स टू AB हो गया। और जैसे ही ये हुआ, ध्यान से देखिएगा, क्या भाई ध्यान से क्या देखना है जरा देखो, AB अपॉन जो DE है वो क्या BC upon EF है कि नहीं है, है ना? तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं कि एंड व्हाट, एंड AB upon DE इक्वल्स BC upon EF। ये तो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन था, ये तो क्वेश्चन में दे रखा था। और दैट्स व्हाई यू कैन से कि PQ upon EF क्या हो जाएगा बताओ, जे इक्वल हो जाएगा BC upon EF के। इन दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो आप ये भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो बाबू, कि ये जो PQ है ना वो इक्वल्स क्या हो गया बता लो, BC के। PQ इक्वल्स किसके हो गया, BC के। और जैसे ही PQ इक्वल्स BC के हुआ, आप हो गए तिस्मार खान। अब बोलिए कैसे, जरा देखेंगे, चलेंगे नेक्स्ट पेज पे। और ध्यान से देखेंगे चीजों को, हमने कहा कि आप हो गए तिस्मार खान, क्यों? PQ इक्वल्स टू BC मिल गया, ऐसा हमने क्यों कहा? जरा देखिएगा अगेन, इन ट्रायंगल किसमें, ABC एंड ट्रायंगल व्हाट DPQ, जरा ध्यान से देखिएगा क्या क्या चीजें हमारे पास हैं एक्चुअली। व्हाट डू वी हैव, द फर्स्ट थिंग, AB इक्वल्स DP बाय कंस्ट्रक्शन, ओके? एंड सिमिलरली यू कैन से AC इक्वल्स DQ बाय कंस्ट्रक्शन। एंड अभी हमने क्या वेरीफाई करा, BC इक्वल्स PQ प्रूव्ड अबव, बोलो हाँ कि ना? और जैसे ही ये तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल DPQ के इक्वल हो गया, आप क्या कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC बिकम्स कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, सॉरी DPQ बाय साइड 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 व्हाट कंग्रेंसी, बोलो हाँ कि ना? और जैसे ही ना बाबू ऐसा हुआ, जो हमारा डिजायर्ड थिंग था कॉरस्पोंडिंग एंगल को इक्वल करना, वो मिला कि नहीं मिला जरा देखोगे। दर्ज क्या हो जाएगा, पहली बात कि एंगल ए इक्वल्स एंगल डी, CPCT मिल गया पहला एंगल, ठीक है। दूसरी की अगर बात करें तो एंगल बी हमें यहां पर क्या मिलेगा, एंगल पी के इक्वल, बट ये भी CPCT से, बट एंगल पी अगर आपको याद है थोड़ी देर पहले की बात, तो एंगल पी किसके इक्वल है, ई के। तो आप लिख सकते हो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल ई, ठीक है। देयरफॉर आप कहोगे कि एंगल बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, एंगल ई। एंड जो थर्ड थिंग मिल रहा है आपको इस कॉरेस्पॉन्डेंस से, वो क्या मिल रहा है, एंगल सी इक्वल्स
एंगल क्यू सी पी सी टी, बट यहां भी आपको याद है होना चाहिए कि एंगल जो क्यू था वो किसके इक्वल था, एंगल एफ के। जरा देखिए एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ, और ऐसा जैसे ही आप कहते हैं तो आपका क्या हो जाता है, ये जो एंगल सी है वो भी वेरीफाई हो गया एंगल एफ के। तो फाइनली इन ट्रायंगल, तो एंड या फिर नाउ कर लीजिए, नाउ फाइनली इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, व्हाट डू वी हैव, वी हैव टू थिंग्स। पहली बात, एंगल ए इक्वल्स एंगल बी यहीं पे आया है, सॉरी एंगल डी यहीं पे आया है आपके पास, एंगल बी इक्वल्स एंगल ई आया है, एंड एंगल सी इक्वल्स एंगल एफ आया है कि नहीं आया है। तो जब ये सारी चीजें आपको मिल गई बाबू, मिल गई, तो क्या हो जाएगा, साथ में आपको ये चीज दे रखा था, क्या दे रखा था बुआ, कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स ए सी अपॉन डी एफ, मतलब साइड्स प्रोपोर्शनल दे रखे थे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने इक्वल वेरीफाई कर दिया, सो यू कैन से कि ट्रायंगल ए बी सी बिकेम सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, और ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ है क्या समझने में, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए, तकलीफ होगी कमेंट करके बताएंगे, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड डे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट थ्योरम के साथ, वो क्या होगा अभी, साइड एंगल साइड, ओके।